चलिए दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर से आई हैं। आपका चैनल है उषा विलेज फूड और आप बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत कम औरतों को ऐसा टाइम मिलता है अपने आप को फेमस करने का, दिखाने का कि मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन जब अगर ये मौका मिला है तो आप इस मौके को मतलब आगे बढ़ाइए, अपने आप को हिम्मत दीजिए और मेहनत करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिए जितने व्यूवर्स हैं। क्या बोलूं इसके आगे। देखिए दीदी, इलाहाबाद से हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, सामने आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ अनिष्का के घर, बनारस में पहुँच चुकी हूँ, चल रही हूँ उनके घर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अनिष्का के गांव और बस अभी निकली गई इधर से। पूछने से पता चला कि यही सड़क है जो जाती है अनिष्का दीदी के घर। चलो हम चलते हैं, देखते हैं। छोटा ही गांव दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों देखो, हम पहुंच गए हैं अनिष्का दीदी के घर। देखिए उनका घर यही है। देखिए दोस्त, यही है उसका दीदी, उसका किचन एक चैनल है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही मेहनत करती हैं अपने चैनल पे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज अनिष्का दीदी से हम मिल चुके हैं। और दीदी बताइए कैसे हैं। नमस्ते। हाय दीदी, और बताओ सब बढ़िया। हाँ बढ़िया है सब। लाइट भी नहीं है, गर्मी बहुत है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है। मैं तो बहुत खुशी हो रही है। और दीदी मित्या नहीं दिखाई पड़ रही है। मित्या सो गई, आपको वेट कर रही थी, कब आएंगे तो सो गई। अच्छा, बच्चे अक्सर दोपहर में सोते ही जाते हैं। ज़्यादा लेट हो गया आपको ना, सुबह की तो 12 बजे तक आ गए। नहीं देखिए, यही है मेरा घर। मुझे दीदी का चल रहा है घर बहुत अभी देख रही है आपको खेत में देते हैं। घर भी बहुत अच्छा है, आपके परिवार भी बहुत अच्छे हैं। और दीदी बताओ फिर आपको यहाँ आना कैसा लगा हमारे यहाँ। यहाँ तो बहुत अच्छा लगा हमें। और दीदी बताइए, आपको शहर में अच्छा लगता है कि गांव में। मुझे तो देखिए गांव में अच्छा लगता है। मुझे गांव में आती हूँ, बहुत हरियाली रहता है, मुझे बहुत पसंद आता है। अगर मेरा बस चले तो मैं दिल्ली का जो वीडियो बनाऊँ ही ना, गांव में आकर बनाऊँ। लेकिन गांव में हमें कम रहना पड़ता है और दिल्ली में ही हमारा सारा परिवार रहता है, इसलिए हमें वही रहना पड़ता है। तो हमें टाइम निकाल के जो है कि गाँव में आके वीडियो बनाती हूँ अपना। तो आप गाँव में रहेंगी? हाँ, अभी कुछ दिन तो मैं गाँव में ही रहूँगी। गांव में बारिश का मौसम, बहुत गर्मी हो रही है, चूल्हे पे खाना बनाना जैसे कि बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी बस बहुत हालत ख़राब है, लेकिन तब भी जो है कि गैस से और चूल्हे खाना में जो है, चूल्हे खाना जो है बहुत अच्छा बनता है। अच्छा दीदी, आपको चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता है कि गैस पे? मुझे चूल्हे पे का खाना बहुत लगता है और बनाना भी। मैं सोचती हूँ मुझे, मेरे पास चूल्हा अगर रहे तो मैं चूल्हे पर ही बनाऊँ, इसलिए गाँव में मैं सोचती हूँ गाँव में ही रहूँ।
और ये देखिए जो है कि धान उनकी रोपाई है और उधर मेरे सामने खेत भी है, इसमें कुछ भुट्टा उट्टा लगा रखी हूँ, साग सब्जी बो रखी हूँ इधर, और बरसात के मौसम में खूब हरा भरा है इधर इस समय। और आप बताओ अपने यहाँ कहाँ किस पे खाना बनाते हो, गैस पे कि चूल्हे पे? हमें भी चूल्हे पे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं चूल्हे पे ही खाना बना पकाती हूँ। और हमने आपका चैनल से बहुत कुछ सीखा है, अनिष्का का किचन से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा देखती हूँ और मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है। यहाँ से जो है कि यहाँ से देखिए अगर हम छत पे भी रहते हैं ना तो यहाँ से जो है ट्रेन भी जाती है तो दिखाई देता है, ये देखिए जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने दूर से आए हैं, आपका खुद का चैनल है उषा विलेज फूड, और आप भी गांव का ही अपने दिखाती हैं और चूल्हे पे का खाना बनाती हैं। लोग शहर में रहते हैं और जो है चूल्हे पे खाना और गैस पे का खाना लोग गैस का ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, शहर जो है उसको अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड तरीके से रहना और गाँव के जो संस्कार हैं उनको भूल जा रहे हैं। तो लेकिन जो हमारे गांव के ये है संस्कार है चूल्हे पे खाना बनाना, और हमें मतलब जुड़े रहना चाहिए गांव के, हरियाली जो है सेहत के लिए सब बहुत बढ़िया है। शहर में रहते हैं कितने बीमार रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, तो गांव में आए गांव में रहकर जो है अपनी सेहत और जो हमारा खान पान है चूल्हे पे का खाना बना हुआ ये सब जो हम लोग खाते हैं बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में भी। पर अपना वीडियो मतलब चैनल बनाई है उषा विलेज फूड और आप भी गांव का भिखारी, बहुत हिम्मत वाली बात है आप यहां तक आई मेरे घर तक और मुझसे मिलने आई और मेरे घर पे आज हम मिलके जो भी बनाएंगे एक साथ। उषा विलेज फूड हमारा चैनल है, मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, गांव में मैं चूल्हे पे ही खाना पकाती हूँ। अनिष्का का किचन बहुत ही अच्छा लगा हमको, इसे इन्हीं चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और दीदी आप बताइए कि आप कब से चैनल अपना स्टार्ट की है? मुझे चैनल स्टार्ट की हुए देखिए 1.5 साल हो गया है, और कभी शहर कभी गांव कंटिन्यू, आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ शहर का और कुछ गांव का ही रहता है, मिलाकर दोनों ही रहता है। तो 1.5 साल हो गया है हमें मेरे चैनल को। आप एक वीडियो में 3-4 रेसिपी कैसे बना लेती हैं, बहुत मेहनत करती हैं? जी हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है क्योंकि इतनी फैमिली गांव में भी हमारी है, तो खाली मैं ही नहीं बनाती और मेरी गांव की जो भाभी हैं उनके लड़की हैं वो सब भी हेल्प करते हैं साथ में खाना बनाने में, तो इस वजह से काफ़ी सारे खाना हम आसानी से बना लेते हैं। हम तो एक वीडियो में एक ही रेसिपी पकाते हैं और सोचते हैं कि दीदी जैसा और बनाएँ 3-4 रेसिपी एक वीडियो में। नहीं तो आप बना लेंगे, जैसे पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि हमें क्या क्या शाम को बनाना है या मॉर्निंग में क्या क्या बनाना है, तो उस समय आप बना लेंगे। ये रही नित्या, आ गई अभी सो के उठ गई, ये कि कौन आया है इधर, आइए आपसे मिलने कौन आया इधर, देखिए नित्या। नित्या तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छी बात करती है, मम्मी से भी ज़्यादा चीटिया। चलिए दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर से आई हैं, आपका चैनल है उषा विलेज फूड और आप बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत कम औरतों को ऐसा टाइम मिलता है अपने आप को फेमस करने का, दिखाने का कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जब अगर ये मौका मिला है तो आप इस मौके को मतलब आगे बढ़ाइए, अपने आप को हिम्मत दीजिए और मेहनत करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिए जितने व्यूवर्स हैं। देखिए दीदी, इलाहाबाद से हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अरे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, बहुत आ गई आप मेरे लिए, मेरे लिए बहुत वही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जी, गिफ्ट लेके आई, मैं खोल के देखती हूँ क्या लेके आई आप मेरे लिए। क्या बात है, अरे वाह, बहुत अच्छा भी आई। देखिए दोस्तों, अनिष्का का किचन का जो चैनल है उसमें बहुत प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं उसी को हमने एक शीशे में मुड़वा कर दिया है, तो दीदी बता रही हैं कि बहुत ही प्यारा है।
ये बहुत ही अच्छा मुझे गिफ्ट दिया, बहुत ये गिफ्ट पा के मैं बहुत खुश हुई हूँ। और जो कमेंट आया है उन्होंने मेरे गांव के जो है ये सब कि उनको चूल्हे पे खाना बहुत पसंद लगता है और गांव के जो हमारे खेत खलियान है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो काफ़ी बहुत अच्छा इन्होंने गिफ्ट दिया है मुझे उषा विलेज फूड ने। इसमें मैं कुछ कमेंट पढ़ती हूँ जो इसमें लिखा है, आपको देख कर मुझे भी मिट्टी के चूल्हे पर का खाना खाने का मन कर रहा है। और इसमें किसी ने कमेंट किया कितना स्वीट और सिंपल लाइफ है आपकी जी, धन्यवाद जिन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत पसंद करते हैं और बहुत इसमें जो कमेंट आया है बहुत अच्छे हैं सबके। तो जितने भी भाई बहन हैं बहुत धन्यवाद, और उषा फूड उषा विलेज फूड चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत मेहनत करते हैं ये भी गाँव के खाना वाना खाना बना के दिखा गाँव के जो चूल्हे पे का खाना बनाती हैं और बहुत मेहनत करती हैं दिखाती हैं। तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए और धन्यवाद। हमने अनिष्का दीदी से मिल लिए और मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, बात करने बात भी किया बहुत ही अच्छा। दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।